हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इससे पहले वाले वीडियो में कुछ लोग कमेंट किए थे, उनका कहना था कि आरआरबी जेई सीबीटी 2 का कट ऑफ मार्क्स कितना जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय क्या पोस्ट प्रेफरेंस हम चेंज कर सकते हैं कि नहीं। तो एक्चुअली क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है जिससे आप पोस्ट प्रेफरेंस जो पहले डाल चुके हैं उसको चेंज कर सकते हैं। तो आप मान के चलिए जो एप्लीकेशन फॉर्म में आप पोस्ट प्रेफरेंस डाल चुके होंगे उसी के बेसिस पर आपको पोस्ट मिलेगा, अगर आप कट ऑफ मार्क्स जिस भी पोस्ट का क्रॉस करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, कट ऑफ मार्क्स वगैरह कितना जाएगा। तो एक्चुअली क्या है, कट ऑफ मार्क्स कोई फिक्स नहीं है कि अगर हम आपको ये बता दें कि 90 मार्क्स से एबव रहेगा तो जनरल का हो जाएगा, ये कोई श्योर सर्टन फार्मूला नहीं है। दूसरा कहने का मतलब ये है कि एक्चुअली हर एक पोस्ट का जो है कट ऑफ मार्क्स वैरी करेगा। किसी पोस्ट का हो सकता है 85 मार्क्स जाए, किसी पोस्ट का हो सकता है 100 मार्क्स भी जाए, किसी पोस्ट का हो सकता है 90 मार्क्स भी जाए। तो ये आप मान के चलिए कि अगर आपका मार्क्स अगर 85 से एबव है, 85 मार्क्स से एबव है तो कोई ना कोई पोस्ट मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। हो सकता है आपका जो प्रेफरेंस में फर्स्ट में डाले होंगे वो पोस्ट 85 मार्क्स पे नहीं मिले आपको, लेकिन हो सकता है दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर जो प्रेफरेंस में डाले होंगे वो आपको मिले। लेकिन दूसरा क्या है, जिनका अगर 95 मार्क्स से एबव है, एक एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, ऐसा कोई श्योर सर्टन नहीं है, तो 95 मार्क्स से एबव है तो उनका क्या एक बेनिफिट होगा, जो अगर वो प्रेफरेंस वन में डाले होंगे पोस्ट वही पोस्ट उनको मिल सकता है। क्योंकि हो सकता है क्योंकि अगर उनका मार्क्स ज़्यादा रहेगा तो उस प्रेफरेंस वन का जो कट ऑफ जाएगा उसका अगर कट ऑफ अगर वो क्रॉस कर जाते हैं तो वही उनको पोस्ट दिया जाएगा। तो ये कोई श्योर सर्टन नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपका 80-85 वगैरह से एबव है तो आप होप रखिए जरूर कि आपका होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो 95 से एबव मार्क्स वाले हैं सिर्फ उन्हीं का सिलेक्शन होगा। और एक्चुअली इसमें बहुत सारे लोग ये भी बताएंगे आपको कि आरआरबी वाइज जनरली कट ऑफ बताने के लिए, तो एक्चुअली आपको भी पता है कि 15 टाइम्स सीबीटी 1 में रिजल्ट सीबीटी 2 के लिए दिया था, तो 15 टाइम्स में दिया है तो सारे जो आपका आरआरबी का जो बोर्ड है उसमें अलग अलग वैकेंसी होगा, उस बेसिस पर 15 टाइम्स रिजल्ट दिया गया है। तो कट ऑफ मार्क्स ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगा, वही 5 to 7 मार्क्स, इससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा दूसरे जो जिसमें ज़्यादा वैकेंसी है, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर किसी बोर्ड में ज़्यादा वैकेंसी है तो उसमें ज़्यादा कट ऑफ चला जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है, वही 2-4 मार्क्स का वेरिएशन होता है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपका 80 से अगर एबव मार्क्स है तो आप जरूर होप रखिए कि कोई ना कोई पोस्ट मिलना चाहिए आपको, और बाकी जो कट ऑफ मार्क्स जो है आरआरबी वाइज बताना सही नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि एक्यूरेट ये सारा चीज़ जो है सारे लोग एक्सपेक्टेड बताते हैं। तो यही है, आप ये मतलब होप जरूर रखिए 80 से एवं मार्क्स है तो होने का चांसेस है, चाहे पोस्ट वन नहीं मिले प्रेफरेंस वाले, लेकिन पोस्ट जो लोअर वाले जो प्रेफरेंस में आप डाले हैं वो मिल सकता है, अगर बाय द वे उसका कट ऑफ मार्क्स कम जाता है तो, क्योंकि सेम कट ऑफ जो है पोस्ट हर एक पोस्ट का जो है कट ऑफ डिफरेंट रहेगा। तो इसी प्रकार हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, और भी कुछ क्वेरी होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा, जरूर कोशिश करेंगे उसका रिप्लाई देने का। धन्यवाद।